बहुत जल्द किसानों को महंगे डीजल से राहत मिल सकती है और किसान डीजल के बदले बिजली के माध्यम से सिंचाई कर पाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि किसानों को महंगे डीजल की खरीदारी कर सिंचाई करने में काफी ज्यादा कॉस्ट लगा करता था, जिससे छोटे किसानों को काफी तकलीफें हुआ करती थी। राज्य सरकार ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए खासतौर से यह कदम उठाया है कि अब सिंचाई बिजली के माध्यम से की जाएगी और किसानों को डीजल के मुताबिक इसमें 10% की ही खर्च आएगी, जिसके कारण छोटे किसानों को काफी राहत मिलेगी। और राज्य सरकार ने इसे जल्द से जल्द किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए कवायद काफी तेज गति से शुरू कर दी है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो बहुत जल्द किसानों को खेत तक बिजली मुहैया कराएं, ताकि किसान बिजली के माध्यम से सिंचाई कर बेहतर फसल ले सकें। कृषि के लिए, किसान के लिए मोटर कनेक्शन के लिए हो रहा, इसमें किसानों को बिजली मिलता है खेत तक। ये आपका पूरे पूर्णिया जिले में सभी ब्लॉक में चल रहा है। ये कहाँ? ये अभी कवैया गांव हुआ, अच्छा। हरदा पंचायत है ना, कवैया पंचायत। अच्छा, जल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत अभी खेतों तक बिजली पहुंचा जा रही है, जिसमें डेडिकेटेड फीडर और डेडिकेटेड पावर सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं और खेतों के लिए इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर भी लगाए जा रहे हैं, ताकि खेती के लिए अलग से ही निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सके। और इसके लिए अभी हम लोग सभी प्रखंड मुख्यालय में बुधवार और शनिवार को कैंप लगा रहे हैं। इसके अलावा सभी सहायक विद्युत अभियंता के कार्यालय में प्रत्येक कार्य दिवस को आवेदन लिए जा रहे हैं, और जो 26 जून तक आवेदन प्राप्त होंगे उनका लक्ष्य दिसंबर 2019 तक हम लोग को हर हाल में उनको कनेक्शन दे देना है। जहाँ इंफ्रा अवेलेबल है वहाँ हम लोग 7 दिनों के अंदर दे देंगे, और जहाँ इंफ्रा अवेलेबल नहीं है वहाँ दिसंबर 2019 तक हर हाल में कनेक्शन दे दिया जाएगा। खेती हेतु डेडिकेटेड फीडर बनाए जा रहे हैं 11,000 के, और उनके ट्रांसफार्मर भी अलग 25 KVA के लगाए जा रहे हैं। उसी से 4-5 विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सके। और उसमें अभी तो 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जल के पंप सेट से पटवन का खर्च अगर 100 रुपये है तो बिजली से 5 रुपये से 10 रुपये तक खर्च आएगा।